तो स्वागत है आप सभी का आज के इस 12th कॉमर्स वर्सेस 12th साइंस के महासंग्राम में। साइंस और कॉमर्स के बीच में तो सालों से ही बड़ी प्रतियोगिता रही है, लेकिन आज वॉलीबॉल की प्रतियोगिता देखने में मज़ा आएगा क्योंकि यहाँ कुछ अनोखा ही होने वाला है मुझे लगता है। जी हाँ, आपने सही कहा है। और देखिए, पहली सर्विस दे दी गई है और मैच शुरू हो चुका है और इसी के साथ ही एक कमाल की रैली स्टार्ट हो गई है और ये उछाल दिया है बॉल को ऊपर और कॉमर्स और ये साइंस के पास और ये साइंस ने किया पास और इसी के साथ ही पहला पॉइंट जाता है साइंस को और ये 12th साइंस के आयुष रावत के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया सर्विस से मैच की दोबारा शुरुआत हुई है। और ये दोबारा खेल चालू हो चुका है और ये बॉल उछाली है, सीधा बम्बई पहुंची है, क्या बात है। और सर्विस दी गई है और एक कमाल का सेव किया है प्रज्वल ने, बहुत ही उम्दा था। और इसी के साथ ही पॉइंट हो चुका है साइंस का और इसी के साथ ही सर्विस हो चुकी है आयुष रावत की और ये मैच चल रहा है और इसी के साथ ही एक और पॉइंट, बहुत ही कमाल खेल रहे हैं साइंस और आयुष रावत द्वारा एक बहुत ही उम्दा सर्विस से दोबारा गेम शुरू हुआ, लेकिन दूसरे प्लेयर ने बॉल को वापस से बम्बई पहुँचा दिया जैसे कि आप कहते हैं। जी हाँ, और ये एक और सर्विस और मैच दोबारा वापस से अपने मोमेंटम को गेन कर रहा है और यहाँ पर 11th साइंस अपना बहुत ही अच्छा फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए और एक इजी पॉइंट और दोबारा से आयुष रावत ने ही एक बहुत ही अच्छी सर्विस के साथ मैच की दोबारा शुरुआत की है और प्लेयर्स यहाँ एक अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं। हमें प्लेयर्स में अलग किस्म का जोश दिख रहा है, क्या कहते हैं आप? जोश जोश तो है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ईजी था। जी हाँ, पॉइंट्स और ये बॉल उछाल दी गई है और एक ये पॉइंट हो सकता था पर थोड़ी सी गलती की वजह से ये पॉइंट गया कॉमर्स में और इसके साथ ही एक और आउटसाइड हो गया है। चलिए, मैच चल रहा है और एक कमाल का शॉट और ये, अरे ये तो डाइव मारी थी लेकिन कामयाब नहीं हो पाए, खिलाड़ी का थोड़ा सा पाँव फिसला और ऑफ बैलेंस हो गए खिलाड़ी यहाँ पर। जी हाँ, सही कह रहे हैं। वापस मैच अपनी रफ्तार पकड़ते हुए और यहाँ पर बॉल कभी इस पाले में कभी उस पाले में पॉइंट तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ देख सकते हैं कमाल का स्मैच था और इसके साथ ही एक और पॉइंट, एक और पॉइंट। इस सवाल का कोई जवाब नहीं। जी हाँ, देखा जाए तो जैसे ही खेल की बात आती है तो बच्चों में एक अलग किस्म का जोश आ जाता है और उसी जोश के साथ ये खेल रहे हैं और इसी के साथ ही एक और पॉइंट। ये नेटर थोड़ा ज़्यादा उत्साह में आ गए हैं 12th साइंस के लगता है। जी हाँ, और ये सब आके एक एक दोनों प्लेयर्स की तरफ से हाना हाना और चूक होते हुए बचा और ये मारा, ओ इसी के साथ ही मिस हो गया है। बॉल को थप्पड़ मार रहे थे पता नहीं क्यों, खैर छोड़िए, वन हैंडेड संभाल रहे थे वो। और ये दोबारा से और ये उछाल दी गई है और ये इसके साथ ही आउटसाइड और एक और पॉइंट जाता हुआ खाते में साइंस के। जी, तारीफ करनी पड़ेगी खिलाड़ी की जजमेंट की, बॉल बाहर जा रही है अंदर आ रही है, क्योंकि मुश्किल होता है बीच मैच में जजमेंट करना कि बॉल बाहर जा रही है अंदर आ रही है। ऐसा बहुत बार होता है कि लोगों को लगता है कि बॉल बाहर जा रही है लेकिन वो बॉल अंदर आ जाती है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं, पॉइंट्स सामने वाली टीम को ही मिलते हैं फिर। जी हाँ, ऐसी चूक बहुत कम होती है क्योंकि खिलाड़ी अब बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं। जी हाँ, अनुभव की बात है। अभी एक और सर्विस कर दी है और कॉमर्स और इसके साथ ही एक और पॉइंट, एक तो गलत जजमेंट। अभी हम जिसकी बात कर रहे थे, एक गलत जजमेंट और सामने वाली टीम पे पॉइंट। अभी ये कॉमर्स वाली साइड और कॉमर्स भी बहुत ही अच्छा खेल रही है जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी पूरी जी जान से और इसके साथ ही एक शॉट, क्या हम देख सकते हैं उनकी तरफ से पॉइंट, क्या हम देख सकते हैं। और ये ऊपर उछाला है बॉल को और इसी के साथ ही पॉइंट मिलता है कॉमर्स को, कमाल का, वो पूरी जी जान से खेल रहे हैं। और पहला सेट तो जीत गई थी 11th साइंस, माफ़ कीजिएगा 12th साइंस, लेकिन अब दूसरे सेट में मुझे कुछ ढीले से लग रहे हैं खिलाड़ी 12th साइंस के। जी हाँ, वो तो गेम ही बताएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और इसी के साथ ही और कमाल के शॉट्स चल रहे हैं दोनों ही तरफ से, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, दोनों ही टीम का जज्बा अलग लेवल का है। और ये बॉल के साथ फुटबॉल खेलने की प्रयास था लेकिन ऐसा अलाउड नहीं होता है, बुरा लगा, माफ कीजिएगा, पर एक बार हम पैर से मार सकते हैं, ये रूल है।
जी फिर मैं ही थोड़ा नाकामयाब हूँ इस इंफॉर्मेशन को जानने में। और ये तो एक थोड़ी सी चूक हो गई ट्वेल्थ कॉमर्स द्वारा, एक फ्री का पॉइंट मिल गया ट्वेल्थ साइंस को। कमाल का मैच चलता हुआ अभी तक राजशक्ति विद्यालय के स्पोर्ट्स वीक में, जहाँ बच्चों का उत्साह अलग लेवल का है और यहाँ पे सारे बच्चे पीछे बैठ के मैच का आनंद ले रहे हैं। दोनों नेटर्स में आपस में कंपटीशन चल रहा है कि मैं तुम्हें ब्लॉक करूंगा और मैं तुम्हें, लेकिन ड्रॉप अच्छा डाल रहे हैं। सर्विस हो चुकी है, देखिए कमाल की सर्विस दी गई है और ये बहुत अच्छे से है, और ये फिंगरिंग की है बॉल पे अच्छे से। जी हाँ, और ये उछाल दिए क्या, और इसके साथ ही बहुत ही कमाल का सेव किया है, बहुत ही कमाल का। और ये इसके साथ आउटसाइड का एक और पॉइंट, ये तो जैसे आप कहते हैं ना कि बॉल लंदन गई। जी हाँ, मुंबई चली गई है बॉल, आइए जाए जी, पाले से तो बाहर ही गई है जी। लंदन गई तो बॉल को लाने में दिक्कत होगी, खैर छोड़िए। अरे ये तो पॉइंट हो गया एक आसान सा कॉमर्स के लिए। ये गेम वापस से अपनी रफ्तार को वापस पकड़ता हुआ, और यहाँ ट्वेल्थ साइंस के खिलाड़ी थोड़े निराश दिख रहे हैं आपस में ही। अभी दोनों टीम रेडी है और दोबारा एक और सर्विस आने वाली है। सर्विस आई है ट्वेल्थ साइंस द्वारा, और सर्विस आ गई और बॉल को उछाला है दोबारा, और इसके साथ ही और एक और एक आउटसाइड का पॉइंट मिलता है। ये पॉइंट कॉमर्स के लिए, कॉमर्स को पॉइंट, कॉमर्स पूरी जी जान से खेल रही है। और यदि कॉमर्स ये दूसरा सेट नहीं जीती तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है इस टूर्नामेंट में, ये क्वार्टर फाइनल्स का मैच। फिर भी जी नॉकआउट बेस्ड है। जी हाँ, नॉकआउट बेस्ड क्वार्टर फाइनल्स है ये, जो टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जो कि बहुत टेंशन वाली बात है। कोई नहीं चाहता कि हम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएं। जी हाँ, और फिलहाल दूसरे सेट को तो कॉमर्स बहुत अच्छे से लीड कर रही है, और ये कॉमर्स द्वारा एक बहुत ही अच्छी शुरुआत कॉमर्स द्वारा। और उछाल दिया गया है बॉल को जी, अभी तक हमें इस मैच में किसी भी टीम द्वारा स्मैश नहीं देखी गई है। जी हाँ, अभी तक स्मैश देखी नहीं गई है, पर कोशिशें जरूर की गई है स्मैश की। जी हाँ, पर खिलाड़ियों में खिलाड़ी दिमाग से खेल रहे हैं, वो ड्रॉप डाल रहे हैं स्मैश की जगह। जी हाँ, अगर वो स्मैश करेंगे तो उसको बैकवर्ड लाना बहुत आसान रहेगा, लेकिन अगर वो ड्रॉप कर देंगे तो खिलाड़ी सामने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे। जी, सामने वाले खिलाड़ी के उनकी दिमाग में कश्मकश चलती रहती है कि स्मैश आएगी या ड्रॉप। और ये मैच वापस से रुक गया एक पॉइंट के बाद। और ये सर्विस आ चुकी है और मैच स्टार्ट हो चुका है दोबारा। ओह, यहाँ पर हमें कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है किसी भी टीम से। और इसी के साथ ही एक और पॉइंट, और कॉमर्स ने सर्विस दी है दोनों, और एक और जंप, और इसी के साथ ही आउटसाइड हो गया है, तो कॉमर्स का एक और पॉइंट। दोनों टीमों की तरफ ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ही हमें मैच से बाहर कर सकती हैं। दोनों टीमों की तरफ से कश्मकश चल रही है, कोई भी टीम गलती करने का कोशिश नहीं कर रही है। जी हाँ, कोई गलती करना क्यों ही चाहेगा, आखिरकार ये साइंस वर्सेस कॉमर्स का मैच है। जी, सबको लगता है कि इज्जत की बात है, इज्जत की बात तो है, लेकिन देखा जाए तो दोनों ही टीम स्पोर्ट्समैनशिप से खेल रही हैं, रिस्पेक्ट। ये बॉल आउटसाइड होने के बाद ट्वेल्थ कॉमर्स दोबारा से इस गेम को शुरुआत करते हुए एक प्यारी सर्विस के साथ, और ये मैच चलता हुआ, और इसके साथ ही अब सर्विस आने वाली है। और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सर्विस के बाद दोबारा से मैच शुरू हो चुका है, और ये गेम पॉइंट है ट्वेल्थ कॉमर्स के लिए, और ये मैच वापस से शुरू हो गया सर्विस, और सर्विस पे ही पॉइंट, और ट्वेल्थ कॉमर्स बहुत ही आसानी से इस सेट को जीत चुकी है। तीसरे सेट की शुरुआत होते ही पहला पॉइंट जाता है साइंस को, और इसके साथ ही सर्विस और एक और आउटसाइड, पहला ही पॉइंट मिल चुका है यहाँ पर साइंस को, साइंस कॉन्फिडेंस में है, और इसके साथ ही फिर से एक और पॉइंट, 2-0, दो लगातार पॉइंट ले चुकी है, और तीन लगातार पॉइंट ले चुकी है साइंस। क्या ये बहुत ही कमाल, क्या ये सेट एक तरफा रहेगा, सवाल है। और एक और अभी तक तो एक और स्कोर इसके साथ ही, अभी तक तो एक तरफा ही लग रहा है, और ये लीजिए एक और स्कोर, बहुत ही कमाल। खिलाड़ियों में जोश की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर फ्री के पॉइंट देते जा रही है ट्वेल्थ कॉमर्स, कोई जोश की कमी नहीं ट्वेल्थ कॉमर्स की तरफ से, लेकिन और अब रोक लिया है सर्विस को, लेकिन केवल जोश से मैच नहीं जीता जाता, उन्हें थोड़ा और प्रयास करना होगा ये मैच जीतने के लिए। बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं यहाँ पर ट्वेल्थ साइंस,
जी हाँ, कॉमर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी, वो भी बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, उन्होंने भी सेट 2 जीता है। लेकिन मैच की स्टार्टिंग में थोड़ी सी चूक हो गई उनसे, और यहाँ पर कोई गलती नहीं करते हुए दोनों टीमों की तरफ से, और एक छोटी सी गलती के साथ यहाँ पर एक और पॉइंट गवाते हुए, एक और सर्विस और एक और पॉइंट, और इसी के साथ ही कॉमर्स का पॉइंट होता हुआ बहुत ही कमाल। यहाँ पर कॉमर्स अब थोड़ी दबाव में लग रही है मुझे। जी हाँ, कॉमर्स जब सामने वाली टीम के ज़्यादा पॉइंट हो जाए तो खुद में टेंशन तो आ ही जाती है। पॉइंट्स को भूल कर हमें सिर्फ गेम पे ध्यान देना चाहिए ताकि हम प्रेशर ना महसूस करें गेम के अंदर। जी हाँ, पॉइंट्स को ना ही देखना चाहिए। और एक और सर्विस, और बहुत ही ख़राब सर्विस थी ये, क्योंकि ये बाहर चली गई और मैच दोबारा स्टार्ट हो गया। यहाँ पर 12 साइंस के खिलाड़ी लगता है मुझे ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, यहाँ पर लगता है उन्हें सर्विस पे ही पॉइंट चाहिए सारे। जी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन उनका हाथ स्लिप हो गया, अभी एक और पॉइंट ले लिया गया है, अभी एक और सर्विस आने वाली है। क्या ये सर्विस सही जाएगी? जी नहीं, और यहाँ पर बॉल वापस आ चुके हैं, और यहाँ पर एक प्रयास किया गया था डाइव का, लेकिन ये पॉइंट सेव किया जा सकता था लेकिन विफल रहे, और ये गेम पॉइंट, और इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से जीत चुके हैं यहाँ पर 12 साइंस।